आखिर क्या रीजन है, क्यों घट रहा है हमारा वॉच टाइम? हम वीडियो बना रहे हैं उसके बाद भी हमारा वॉच टाइम क्यों घट रहा है? 4000 घंटा पूरा होने के बाद में घट गया, सोचो मेरे दिल पे क्या बीत। तो यूट्यूब की तरफ से कि इसका कोई काम नहीं है, एक साल आपके पूरे हो गए हैं जी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरजीत और आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति टेक सपोर्ट में स्वागत है जी। हाँ दोस्तों, यूट्यूब से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेंगी आपको। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि भी छोटे यूट्यूबर बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा वॉच टाइम जो कि घंटा वॉच टाइम होता है ना, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम हमारे जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक हमारा चैनल मोनिटाइज नहीं हो सकता है जी। हाँ दोस्तों, उसी के रिलेटेड में बात करने वाले हैं कि हमारा वॉच टाइम जो है आजकल कम क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ये उम्र के आया है ये चीज़ जो कि मतलब बाद में पता चलता है। तो ये दोस्तों, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक छोटी सी बात है जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको यही टेंशन लगा रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको समझ में आएगा, आपका दिल भी टूट सकता है। आप वीडियो बना रहे हैं फिर भी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपका वॉच टाइम कम क्यों हो जा रहा है? तो दोस्तों, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, आपका भाई आप लोगों के लिए सोल्यूशन लेके आ गया है जो कि आपको बताऊंगा इस वीडियो में, पूरे अच्छे से समझाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, स्किप कर दोगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी और आपको मैं एक एक बात बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है और इससे रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि आपका वॉच टाइम जो है कम क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, वॉच टाइम कम होने के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप वीडियो टाइम पे डाल नहीं रहे हैं, आप वीडियो को लेट डाल रहे हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप वीडियो टाइम पे नहीं डाल रहे हैं। और दूसरा रीज़न क्या है दोस्तों, कि जब मतलब आपने जो वीडियो डाली, जैसे कि मैंने आज के दिन, आज जो तारीख है, मैंने आज के डेट पे जो वीडियो डाली और मान के चलो वो वीडियो मेरा वायरल हो गया, चला गया जो भी 2000, 4000, 10000 जो भी व्यूज गया, उससे जो भी वॉच टाइम जो भी कलेक्ट हुआ है, तो वो वॉच टाइम जाके हमारे चैनल में जुड़ जाएगा। और जब वो वॉच टाइम हमारा जुड़ जाएगा तो उसको क्या होता है कि आज का जो डेट है उसी दिन, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, तो उसी दिन आपका ये जो वॉच टाइम होता है, जैसे आज के दिन मैंने अपलोड किया, उसी दिन आपका ये जो वीडियो होता है इसका वॉच टाइम होता है ये खराब हो जाता है। मतलब इसको यूट्यूब की तरफ से कि इसका कोई काम नहीं है, एक साल आपके पूरे हो गए हैं। दोस्तों, आपका मतलब मेन बात क्या रहता है दोस्तों, देखो एक साल में हमको 4000 घंटे वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने रहते हैं, मेन बात यही है। एक रीजन और है, जो आपकी डिलीट हुई वीडियो है ना, तो उसका आपको व्यूज कलेक्ट मिलेगा ना तो उसका वॉच टाइम आपको मिलेगा। पहली बात तो ये आप जान सकते हैं कि जैसे आपने कोई वीडियो बनाई और वो मान लो डिलीट कर दिया, आपको जो भी उससे व्यूज मिला है या जो भी उससे वॉच टाइम मिला है वो आपका बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे मेन बात क्या है कि जब आप अपने मतलब वीडियो को अपलोड करते रहते हो और आपका वॉच टाइम कलेक्ट मतलब 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा नहीं हो पाया और बाय चांस आपका एक साल पूरा हो गया, तो उसी दिन आपका, जिस दिन आपका वॉच टाइम बढ़ा रहेगा, जितना वॉच टाइम जितने जिस दिन का जितना वॉच टाइम रहेगा उतना वॉच टाइम आपका घट जाएगा। तो दोस्तों चलिए दिखाता हूँ, जैसे कि मेरा भी एक चैनल है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो मेरे भी चैनल, मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आपको मेन प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है और कैसे ठीक होगा, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि मतलब अपने चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो में और आपको दिखाते हैं कि हमारा जो चैनल है उसमें कितने वॉच टाइम कलेक्ट हुए हैं और कितना वॉच टाइम हमारा घटा हुआ है, जो कि हमारा 4000 घंटे में बस 200 घंटा बाकी था, हमारा पूरा हो गया था। तो अभी ये चैनल नहीं है, दूसरा चैनल है, तो उस चैनल को हम लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा, ये मेरा चैनल है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ इसमें इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ पहले तो मैं आपको सारी वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा ये जो वीडियो है, पहले देख सकते हैं 7.5K है ना, 31K, 3.2K, 6K, ऐसे ऐसे हमारा मतलब जो है व्यूज गया है। तो इसका जो वॉच टाइम हमारा कलेक्ट हुआ है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं एक ईयर आगे मतलब सब ये सारी वीडियो है ना, ये सब एक साल हो गया इस वीडियो का, ठीक, इन सब वीडियो का एक साल हो गया है। तो फिर मतलब मेरा 4000 घंटा पूरा ही हो गया था, बस 200 घंटा बाकी था। उसके बाद फिर मैं रात में जब उठा तो एक बार अचानक से देख रहा हूँ, मतलब अरे मेरा 2000 घंटा कहाँ गायब हो गया, सीधा 2000 घंटा कम हो गया। फिर उसके बाद जब कुछ देर बाद देख रहा हूँ फिर कुछ घट गया, फिर देख रहा हूँ फिर घट गया, मतलब जितने जितने टाइम पे जो व्यूज मुझे मिला था वो सारा व्यूज मेरा मतलब घटते हुए चला गया। तो अभी 800 कुछ पे पहुँच गया है,
ऐसा हो गया है, मतलब जो भी मेरा सारा पुराना व्यूज था, जो भी इस वीडियो से सब सारे वीडियो से मिला था मुझे, जो भी व्यूज कलेक्ट हुआ था, सारा व्यूज घट गया। तो अभी मैं अभी चलता हूँ उसको दिखाने के लिए, आपको चलता हूँ मैं अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउजर में, जो कि आपको तो पता ही है कि मतलब यूट्यूब का सारा काम यहाँ इस स्टूडियो में नहीं हो पाता है, जो कि हमको क्रोम का मदद लेना पड़ता है। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल हमको अपना चैनल लॉगिन कर लेना है, मेरा चैनल देखो लॉगिन है फिलहाल। तो अभी यहाँ से हम जाते हैं अपने योर चैनल, ये देखिए यहाँ पे आपका चैनल का लोगो दिखा रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आपको जाना है योर चैनल में। जब योर चैनल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज चैनल में जाना है। जब तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं देखिए अपने कस्टमाइज चैनल में, ठीक। तो अभी हम लोगों को अपना वीडियो का एनालिटिक्स देखना है, मतलब पूरा अपना रिच देखना है कि कैसे कैसे क्या किस वीडियो पे गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं सारी वीडियो मेरी मतलब अच्छी चली थी, जो कि मतलब एक साल इनका पूरा हो गया है। तो अभी मैं आपको वॉच टाइम दिखाता हूँ, मेरा सब्सक्राइबर कंप्लीट है, वॉच टाइम भी कंप्लीट ही हो गया था, लेकिन अभी आपको मैं फ़िलहाल दिखाता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो आपको जाना है मोनिटाइज वाले ऑप्शन में, अभी ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों ये मेरा वॉच टाइम है, सब्सक्राइबर देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है, वॉच टाइम भी मेरा कंप्लीट हो गया था। मैं आपको बताऊं मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता। तो ये थी रीज़न जिसकी वजह से घट रही है, और इसका सलूशन यही है दोस्तों। देखिए इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि भैया मैंने दिखाया भी कि आपको मेरा भी मतलब मेरा 4000 घंटा पूरा होने के बाद में घट गया, सोचो मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी। लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं मत, आपका जो नया मतलब जो नया आपका वॉच टाइम कलेक्ट हो रहा है, आप उससे आपका वो जो पूरा हो जाएगा, आपका चैनल वैसे ही मोनिटाइज हो जाएगा, तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, जहाँ जा रहा है उसको घट रहा है, घटने तो आपका व्यू नहीं घटेगा, ठीक। तो एक साल में ऐसा ही वॉच टाइम घट जाता है। और दोस्तों और कोई भी परेशानी नहीं है, YouTube से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल पे देता रहूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।